lost in your eyes, under your spell. प्रियांशी, गुड मॉर्निंग. नींद में हो क्या? आज मॉर्निंग क्लास है फ्रेंड्स, सैटरडे है तो इसलिए क्लास ही नहीं है. क्लास दो क्लासेस होंगे या फिर वो भी नहीं होंगे. चार चार पीरियड का थे फंक्शन के लिए करोगे ना, तो अच्छी बात है. वो भी प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के लिए करोगे तो कैसे परफेक्ट डांस कर पाओगे, है ना. तो अभी वो खा रही है चोकोस दूध. अच्छी बात ये कि मैं आज मेरी बेस्ट फ्रेंड से लक्ष्य एक में है, वो भी ओडिसी. अच्छा, गुड न्यूज है ये, अच्छी बात है. दोनों बहुत टाइम स्पेंड कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे. हाँ, है ना. मेरे आगे दो दीदी है, एक दीदी तो एक. और फ्रेंड्स, प्रियांशी का स्वेटर मिला नहीं, जो पास में दुकान था गई तो वो बोला कि सिक्स स्टैंडर्ड वाले कोई ले नहीं रहे हैं. मैं बोली एक तो मंगा लेना, लेकिन वो नहीं बोला, तो हमको जाना पड़ेगा वो मार्केट बिल्डिंग, उधर से फिर लाना पड़ेगा. आज होगा तो जाएंगे बोल रही थी, लेकिन आज प्रियांशी जाएगी. टाइम जोन, टाइम जोन में क्या करोगे? अच्छा, वो जो एक बार मैं तुमको ली थी वो ही क्या? वो जो हाँ, तो सब तो की थी तुम? नहीं, बस हैमर वाला कर दी, क्योंकि मेरा ऑन ही नहीं था वो. अच्छा अच्छा, आज सारा ऑन होगा. उस दिन हम बिना पैसे कैसे गए थे ना. आज देख रहे थे कैसा कैसा चीज है. आज उसकी नीति दीदी उसको ट्रीट देने वाली है, तो सारा चीज एंजॉय करोगे, सारा जितना भी है. मेरे क्लास में क्लासिकल में सिर्फ मैं, बाकी कोई लड़की नहीं है. बाकी जितने लड़कियां हैं आधे तो पतली पतली जो है वो, और थोड़ी सी हेल्दी जो वो लोग जुम्बा करते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो लोग सेमी क्लासिकल. तुम्हारा गाना कौन सा है? सरप्राइज. ओके, टाइम हो गया, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट चटापट. सो फ्रेंड्स, अभी बज चुका है 8:30 और मैं बना चुकी हूँ दाल चावल, मूली का खट्टा. ये आलू प्रिया कल वाला है, इसको गरम करूँगी. उसके पापा रोटी खा के जाएंगे उसके साथ. और ये उनके लिए बैंगन का भज्जा बना रही हूँ, ये लेके जाएंगे ऑफिस इसलिए. और अभी रोटी बनाना बाकी है. एंड सुबह सुबह मैंने मैगी बनाया था प्रियांशी के लिए, वेजिटेबल मैगी, जिसमें गाजर बीन्स सारा कुछ डाला था, तो वो मैं खा चुकी हूँ. एंड प्रियांशी वो देखिए मूली का खट्टा. और आज थोड़ा ज़्यादा खाना बनाई हूँ, क्योंकि आज आ रहे हैं, मतलब प्रियांशी के एक मामा जी आ रही हैं, तो इसीलिए. प्रियांशी कहाँ जा रहे हो? टाइम जो सो प्रियांशी ने निपी दीदी को ट्रीट मांगा था कि निपी दीदी के बर्थडे में निपी दीदी उसको टाइम जोन लेके जाएगी. सो सैटरडे को निपी दीदी थोड़ा फ्री थी, 2 आवर मतलब प्रियांशी के साथ स्पेंड की. तो दोपहर को लंच करके हम लोग निकले प्रियांशी को टाइम जोन लेने के लिए.
खाने वाली प्रियांशी को नीपी ने प्रॉमिस किया था कि प्ले जोन लाएगी, तो वे प्ले जोन में खेल रहे हैं और इसका फुल वीडियो आपको प्रियांशी के चैनल में आएगा। हम लोग देख रहे हैं घर से ये लोग। प्रियांशी टाइम जोन में खेलना खत्म हुआ। हाँ। दीदी ने अपना प्रॉमिस पूरी की। हाँ। अब मेरी प्रॉमिस पूरी करने की टाइम। हाँ, आप खिलाओ। क्या खाओगे? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। क्या खा रहे हो? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। अभी खाने के बाद घर चलेंगे ना? ओके। इधर घर बना के रह लेते। नहीं नहीं मैं बोली हूँ टाइम जोन में और जाके खेल लो ना। खेल लोगे? फिर हम इधर से आते आते देखे कि मॉल में कोई डांस ग्रुप आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे डांस कर रहे थे न्यू फोज वाले। तो प्रियांशी और निपी देखने लग गए, तो थोड़ा वीडियो शूट भी कर लिए उन लोगों का। एंड वहाँ से निपी अपना क्लास करने के लिए चली गई और प्रियांशी और हम घर आ गए, क्योंकि प्रियांशी का भी कोई कोचिंग था 6 बजे और निपी दीदी का भी क्लास था। कितना मज़ा किया, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया आज, मतलब खेलने में टाइम जोन में। और ऑल थैंक्स टू निपी दीदी क्योंकि उन्होंने मुझे इतने मज़ेदार जगह लिया, और ऑल थैंक्स टू हर क्योंकि उन्होंने मम्मी को एडवाइस भी दिया कि हमारे भी एक टाइम जोन कार्ड हो जाए। फिर अगर आप लोगों को मेरा वो टाइम जोन वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो हम लोग और वहाँ जाएंगे, मतलब वीकेंड्स पे तो नहीं, वीकडेज पे, जब जिस दिन छुट्टी होता है हमारा स्कूल। सो इसलिए एंड आज मैं चीज़ मम्मी को भी बोलना भूल गई थी कि हमारे स्कूल में होता अमूल कॉन्टेस्ट। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल क्योंकि स्पॉन्सरशिप मम्मी को अभी अपना फर्स्ट वाला अभी तक नहीं मिला है, दैट्स वाई। तो अमूल जो है ना वो हमारे स्कूल को स्पॉन्सर किया था, तो 10 questions हमें आए थे अमूल के, अमूल के क्वेश्चन आए थे। Who was the founder of Amul? Which is the second biggest milk brand? वो सब questions आए थे, मतलब हमको तो पता ही नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने एक तुक्का मार मार के guess कर करके answer लिखा, तो वो Amul contest का पता नहीं, वो सबके लिए फिर mandatory था। अब बोलते तो फिर मैं पढ़ के जाती ना, मतलब याद करके रट के जाती at least कि Amul का founder कौन है वो सब। उन्होंने बोला भी नहीं तो कहा क्या पता चलता कि अमूल कॉन्टेस्ट है। आज पढ़ पढ़ के जाओ तो कौन जाता है, मतलब पढ़ के कोई तो नहीं गया था। सारे एक दूसरे के चेहरे में देख रहे, कुछ आया क्या, ऐसे पीछे कर वैसे बोले जा रहे। हमको तो पता ही नहीं था कि अमूल का क्या है कॉन्टेस्ट करेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाता। मतलब मैम ने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, हम क्वेश्चन ही देख के हक्का बक्का रह गए, हमको बोला ही नहीं था कि हमारा अमूल का कॉन्टेस्ट है, ये क्या बात हुई भाई। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक जो आप सुन रहे हो, तो इधर ना हमारे घर के नियर बाय एक पूजा हो रही है, आई डोंट नो क्या एक पूजा हो रही है, तो उसी के लिए ही वहाँ। मुझे तो बहुत मजा आया। फ्रेंड्स लोगों को बता दो टाइम जोन का फुल प्रॉपर वीडियो तुम्हारे चैनल पे आने वाला है। हाँ एंड प्लीज गाइस मेरा टेबल जज मत करो, मम्मी ऐसे डेली रख देती है मेरा बुक्स क्योंकि फिर मन ही मन मुझे गुस्सा कर रही होगी, है ना। हैं आओ इधर आओ मम्मी थोड़ा, इधर आओ ना मेरी प्यारी मम्मी, थोड़ा आओ। इतना गंदा करके रखती हो ना, थोड़ा आओ ना।
अरे तुम्हारे चैट का बैकग्राउंड दिख रहा है प्यारी वाणी। तो चलो एनीवेज, और आज मेरे ट्यूशन में ना मैंने आई डोंट थिंक आप लोगों को बोला था कि मेरा मैथ का टेस्ट है, तो मैथ का टेस्ट के लिए मैंने पढ़ा नहीं था। मैं मुझे याद था कि मैथ का टेस्ट है लेकिन मुझे टाइम नहीं हुआ तो मैंने पढ़ा नहीं, मतलब हुआ लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया उस टाइम को, तो इसीलिए मैंने पढ़ा भी नहीं था। लेकिन जिस जिस एग्जाम में मैं पढ़ के जाती उतना अच्छा नहीं जाता, तो ये वाला एग्जाम डेसिमल एंड अलजेब्रा को बहुत अच्छा गया था मेरा। तो आई एम श्योर कोई पूछ रहे थे तुम मतलब मैथ का कौन सा चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं स्कूल में? हमारा इंटीजर्स खत्म हो गया है, बेसिक न्यूमेरियल्स खत्म हो गए, मतलब नंबर्स वाला जो होता है नंबर सिस्टम वो खत्म हो चुका है, वो तो पहले से ही। अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन एंड ज्योमेट्री का थ्री के थ्री चैप्टर्स खत्म हो गए, तो बेसिकली हमारा हाफ ऑफ द बुक खत्म हो गया है और थोड़ा बाकी है। डेटा हैंडलिंग भी खत्म हो चुका है हमारा। ओके एनीवेज, चलो आज का नाम ले लेते हैं। आज का नाम है अमरीन, अलीना, राशि, मनाली, अनुषा, माही, श्रद्धा, धनवंशी, नंदिनी, चांदनी। I don't mean to मजाक but अच्छा नाम है। इल्मा, लिखिता, इनाशा, जैस्मिन एंड संभवी। डेली इंडिया मैम में इसको बी ग्रेड मिला है। आप देखी थी? अभी देख रही हूं। तो बहुत मेहनत से लगे इसका आउटलाइन ड्रॉ की। ये देखो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये श्रीलंका, ये दो आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। एंड फ्रेंड्स, कल प्रियांशी का येलो चैनल चैलेंज आने वाला है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने एडिट कर दिया है इसीलिए मम्मी का फेस में थोड़ी सी हंसी है, वरना लेकिन वो तो गुस्से में पूरा होती है। आज का वीडियो हम लोग एंड कर लेते हैं। इसमें एक ऐड कर देना, आज ही तुम्हारे फ्रेंड लोगों में कोई लिखा था टॉकिंग नॉट 24 आवर्स। अरे या फ्लब लोग इस सब के लिए, मतलब अच्छा मुझे लगा उनका आइडिया अच्छा लगा और वो कर भी सकते हैं शूट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पूरा चुपचाप रहना, जितना मैं गुस्सा में जितना डांटू मुंह बंद, मतलब बंद। लिख दिया मैंने इधर, व्हाइट डन मार दिया तो फिर लिख दिया। नाइस नाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल दी वेरी एंड। मैं दे दी ब्लॉग के एंड में बोलती कि कल सुबह मैं उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगी, लेकिन कभी जाती तो हूँ नहीं क्योंकि मुझसे एक चीज़ तो होती है नहीं। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। बस बोल ही देती हूँ। क्या बोली? बस बोल देती हूँ रोज की मुझे सुबह उठा देना जल्दी, मैं उठ जाती। लेकिन मैं नहीं उठ पाती, कल तो संडे है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड, टेक थ्री, मतलब मैं तीन बार एंड करने की कोशिश की, मम्मी एक बोले जा रही है बीच में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल द एंड, एंड इफ यू लाइक दिस व्लॉग टिल वेरी एंड एंड वॉच्ड इट, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैप्पी संडे क्योंकि सॉरी हैप्पी मंडे क्योंकि आप ये वीडियो संडे को देख रहे वाले। कल मंडे अपना होमवर्क कर लो। बाय।